Hello everyone, good morning and welcome back to Order 247. This is your daily current affair class. So चलिए आज का सेशन जो है वो हमारा है पूरा न्यूज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो जिसमें हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही लास्ट डे की, वो सारी न्यूज़ जो है वो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर रेडी हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दैट यस मैम वी आर रेडी फॉर द सेशन, ओके। सो अगर आप यहाँ पर रेडी हैं, सब आ चुके हैं ऑनलाइन, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। फिर हम शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, ओके। सो देखो, जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आपने अभी तक अगर यहाँ पर सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करेंगे आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले, लास्ट क्लास मेरा हुआ था कल, जो स्टैटिक का क्लास था, ओके, स्टैटिक जीके का क्लास था, जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो थी वो कवर करवाई थी। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास भी देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 कंक्लूडेड, विच कंट्री टॉप द इंडेक्स, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पर हुई है? शियान चाइना में हुई थी। उसका वेन्यू क्या था? शियान चाइना था। वो जो है कंक्लूड हो चुकी है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी कंट्री ने इस इंडेक्स को टॉप कर लिया है, इस चैंपियनशिप को टॉप करने वाली कंट्री कौन सी है। ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है, ये आपको मुझे यहाँ पर बताना है कमेंट करके, ओके। सो आपको ये भी बताना है मुझे कि उस कंट्री ने कितने मेडल्स जीते हैं, ओके। सो आप सभी यहाँ पर आंसर करिए, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर वन, ओके। सो यहाँ पर आप जो आंसर कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज़ ईरान, ठीक है। तो ईरान जो है उसने क्या कर लिया है, इस इंडेक्स को टॉप कर लिया है, यानी जो पूरी चैंपियनशिप है उसको जीता किसने, ईरान ने जीता है। ईरान ने कितने मेडल्स जीते हैं ये आपको मुझे यहाँ पर बताना है। तो टोटल अगर मेडल्स की बात की जाए तो ईरान ने टोटल 17 मेडल्स जीते थे, ठीक है। 17 मेडल्स जीते थे, जिसमें से क्या थे, 11 मेडल्स जो थे वो कैसे थे, गोल्ड मेडल से, ओके। सो ईरान ने टोटल 17 मेडल्स जीते, जिसमें से 11 क्या थे, गोल्ड मेडल थे। आपको यहाँ पर मुझे बताना है कि इंडिया का रैंक यहाँ पर क्या रहा है, ओके, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछने ही वाले हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 कंक्लूडेड, व्हाट इज इंडियाज रैंक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया था कि टॉप किस कंट्री ने किया, ईरान ने टॉप किया है। इंडिया का रैंक यहाँ पर क्या था, ये आपको बताना है यहाँ पर कमेंट करके, ओके। सो आपको मुझे बताना है व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है, दैट इज ए बी सी डी में से क्या ठीक है, वो आपको बताना है। तो इंडिया का जो इस इंडेक्स में रैंक रहा वो क्या था, 8th रैंक था, ओके। सो इंडिया का क्या रैंक था यहाँ पर, 8th रैंक था। और इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते, एक गोल्ड मेडल जीता था, जो किसने जीता था यहाँ पर, बजरंग पूनिया ने, ओके। सो रेसलिंग चैंपियनशिप में एक जो गोल्ड मेडल जीता वो किसने जीत लिया था, बजरंग पूनिया ने जीता था, कौन सी यहाँ पर, अंडर 65 kg कैटेगरी, ठीक है। 65 kg कैटेगरी में जीता था किसने, बजरंग पूनिया ने, एक गोल्ड मेडल कहाँ पर, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आपको मुझे बताना है बजरंग पूनिया जो है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ओके। सो बजरंग पूनिया किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है। एज वेल एज जो हमने पहले देखा था ईरान, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मुझे ईरान के स्टैटिक फैक्ट्स भी बताने हैं। सो ईरान जो है उसका कैपिटल क्या है, तेहरान है, ओके। और करेंसी क्या है यहाँ पर, रियल है, ठीक है। सो ईरान, तेहरान, रियल। प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप क्या बता देंगे, हसन रूहानी जो है यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट है, ओके। सो हसन रूहानी इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ओके। सो देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जॉन सिंगलटन पास अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, ठीक है। तो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द ओबिटरी, ओबिटरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनको नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर के लिए भी, ठीक है। सो इनको किसके लिए यहाँ पर नॉमिनेट किया जा चुका है, इनको ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है। तो आपको बताना है वो कौन से फील्ड से रिलेटेड थे, ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर है, ओके। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज फिल्म मेकर, ओके। सो जॉन सिंगलटन जो थे वो क्या थे, एक फिल्म मेकर थे। और उनको वो क्या बोला जाता है, ही वॉज अ नॉमिनी ऑफ ऑस्कर, ऑस्कर के भी वो क्या थे, नॉमिनी थे, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो यहाँ पर आपको बताना है, अकॉर्डिंग टू द सिप्री, सिप्री जो रिपोर्ट आई है किससे रिलेटेड आई है,
मिलिट्री स्पेंडर से रिलेटेड आया है, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज़ इंडियाज रैंक एज द बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर। ये मैंने आपको जो लास्ट क्लास करवाया था स्ट्रेटेजी का, उसमें भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। तो आपको यहाँ पर मुझे करेक्ट आंसर बताना है क्या है, ठीक है। इंडिया का मिलिट्री स्पेंडर में क्या रैंक रहा है, ठीक है। इंडिया कौन से रैंक पे है और टॉप कौन सी कंट्री ने किया, अगर आप बताएंगे यहाँ पर इंडिया का जो रैंक है वो क्या है, फोर्थ रैंक है। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो इंडिया का अगर आपसे रैंक पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे यहाँ पर, इंडिया का जो रैंक रहा वो क्या रहा है, फोर्थ रहा है। फर्स्ट किसका था, US, सेकेंड चाइना एंड द थर्ड वॉज सऊदी अरेबिया, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप क्या बता देंगे, US वॉज द फर्स्ट, सेकेंड वॉज चाइना, थर्ड वॉज सऊदी अरेबिया एंड द फोर्थ वॉज इंडिया। इंडिया टोटल कितना स्पेंड करता है ये आपको बताना है, इंडिया ने टोटल कितना स्पेंड किया है। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाएगा तो आप बता देंगे $66.5 बिलियन। ओके, ये टोटल स्पेंडिंग है इंडिया की किसके ऊपर, मिलिट्री के ऊपर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विल रेज अ डिफेंस साइबर एजेंसी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या करने वाली, एक एजेंसी बनाने वाली है, उसका क्या नाम है, DCA है, ठीक है, दैट इज डिफेंस साइबर एजेंसी। आपको बताना है हु विल हैड दिस एजेंसी, इस एजेंसी को कौन हैड करने वाले हैं, ये आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है। ओके, सो एडमायरल सुनील लांबा जो है वो कौन है, हमारे नेवी चीफ है। ओके, सो चीफ ऑफ नेवी स्टाफ अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, एडमायरल सुनील लांबा जो है चीफ ऑफ नेवी स्टाफ है। अभी उनको रिप्लेस करने वाले हैं कौन, एडमायरल करमबीर सिंह। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज एडमायरल मोहित गुप्ता। ओके, सो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर, एडमायरल मोहित गुप्ता जो है उनको इस एजेंसी का क्या बनाया जाने वाला है, हेड बनाए जा रहे हैं, दैट इज DCA एजेंसी का हेड। ओके, सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको मुझे बताना है हु इज़ द हेड ऑफ आर्मी स्टाफ एंड हु इज़ द हेड ऑफ एयर स्टाफ। ओके, सो हमारे आर्मी चीफ कौन है और हमारे एयर स्टाफ के चीफ कौन है, ये आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। ओके, देखते हैं कौन सबसे पहले यहाँ पर कमेंट करता है। सो अगर आपसे आर्मी चीफ पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, बिपिन रावत जो है वो हमारे आर्मी चीफ है, बीरेंद्र सिंह धनोआ जो है वो क्या है, हमारे एयर चीफ है। ओके, सो देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द वन क्वेश्चन, देखिए मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लास्ट डे से, ठीक है। तो आपको हर एक क्वेश्चन जो है उसको याद रखना है, दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉरशिप्स रीच भूषण, दैट इज इन साउथ कोरिया, वो कहाँ पर है, साउथ कोरिया में है, एज पार्ट ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑफ ईस्टर्न फ्लीट, दैट इज AGMM+, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ से कौन सी वॉरशिप गई है ये आपको बताना है। देखो आपको पता हो IFR क्या था, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू था। ओके, सो इंटरनेशनल क्या था, फ्लीट रिव्यू था, कहाँ पर हुआ था, चिंगदाओ चाइना में हुआ था, ठीक है। वहाँ पर क्या गए थे हमारे यहाँ से, INS कोलकाता और INS शक्ति जो थे वो वहाँ पर गए थे। अब वो वहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, साउथ कोरिया जाने वाले हैं, ठीक है। तो साउथ कोरिया कौन कौन जाने वाले हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज़ INS कोलकाता एज वेल एज INS शक्ति। ओके, ये दोनों ही कहाँ जाने वाली हैं, साउथ कोरिया जाने वाली हैं, वो वहाँ पर रीच कर चुकी हैं। ओके, सो आपको यहाँ पर मुझे बताना है व्हाट इज़ द कैपिटल एंड व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। ओके, सो यहाँ से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट एक कंट्री हो जाती है वो क्या है, साउथ कोरिया है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा साउथ कोरिया के बारे में तो आप क्या बता देंगे, साउथ कोरिया जो है उसकी कैपिटल क्या है, सियोल है, एंड द करेंसी इज वॉन। प्रेसिडेंट कौन है, मून जे इन है। ओके, सो मून जे इन है वो क्या है, प्रेसिडेंट है कहाँ के, साउथ कोरिया के। ओके, सो ये आपको याद रख लेना है, यहाँ पर ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपके लिए। तो देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो विच ऑफ दीज पेमेंट प्लेटफॉर्म लोन्स रिकरिंग पेमेंट ऑप्शंस फॉर स्टार्टअप, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कौन सा पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसने क्या लॉन्च कर दिया है, रिकरिंग पेमेंट ऑप्शन लॉन्च कर दिया किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है। तो मर्चेंट्स या स्टार्टअप्स के लिए किसने लॉन्च किया है आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ABCD में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर है। ओके, सो टेक योर टाइम और आपको मुझे बताना है वो जो भी आंसर है उससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स भी। ओके,
सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज़ पेटीएम. ओके, सो आपको यहाँ पर याद रख लेना है स्टार्टअप के लिए जो रिकरिंग पेमेंट ऑप्शन ला रहा है वो कौन लेकर आ रहा है, पेटीएम लेकर आ रहा है. अब आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पर, पेटीएम जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है. अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाएगा पेटीएम का तो आप क्या बता देंगे, यहाँ पर नोएडा बता देंगे. ओके, सो पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नोएडा में है. और फाउंडर का नाम क्या है वो आपको मुझे बताना है. ओके, सो पेटीएम के अगर फाउंडर आपसे पूछा जाएगा तो विजय शेखर बता देंगे. विजय शेखर जो है वो क्या है, फाउंडर हैं किसके, पेटीएम के. एंड दिस देर इज़ वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, हु इज़ द सी ओ ऑफ पेटीएम, पेटीएम की सी ओ कौन है इस टाइम पर, ये आप मुझे आंसर करके बताएंगे यहाँ पर कमेंट करके. ओके, तब तक हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेम द फर्स्ट कंपनी टू सेल टू व्हीलर पॉलिसीज वाया व्हाट्सएप इन पार्टनरशिप विद द विश्विन. ठीक है, तो व्हाट्सएप पे अपनी इंश्योरेंस से रिलेटेड पॉलिसी, वो भी किससे रिलेटेड, टू व्हीलर से रिलेटेड, ऐसे सेल करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है, कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है, ये आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे. ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है हमारा. ओके, सो आपको यहाँ पर बताना है व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर हियर. ओके, सो आपको देखना है कि क्या यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है. टेक योर टाइम और बताओ कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर है. ओके, सो जो भी आप बताएंगे उससे रिलेटेड सारे स्टैटिफैक्ट्स भी आपको बताने हैं, लाइक एलआईसी से रिलेटेड आपको स्टैटिफैक्ट्स पता होने चाहिए. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज़ भारतीय एएक्से जनरल इंश्योरेंस. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर. आपको मुझे बताना है हु इज़ द एमडी एंड सीईओ ऑफ भारतीय एक से जनरल इंश्योरेंस. हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, मुंबई बता देंगे. ओके, सो मुंबई क्या है, हेडक्वार्टर है किसका, भारतीय एक से जनरल इंश्योरेंस का. ओके, सो सीईओ जो है आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका किससे रिलेटेड है, जीडीपी से रिलेटेड. आपको पता है जीडीपी से रिलेटेड काफ़ी एस्टिमेशन जो हैं वो आते रहते हैं. कोशिश करेंगे कि एक पूरा सेशन रखें जिसमें पीछे के जितने भी एस्टिमेशन रहे हैं उनको हम कवर करें. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर 2019 एंड 2022 अकॉर्डिंग टू द इंडिया रिसर्च. ठीक है, इंडिया रेटिंग्स जो है वो क्या है, फिच ग्रुप की कंपनी है, तो उसके अंडर कितना जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इंडिया के लिए बताया गया है. देखो पहले अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने क्या एस्टिमेशन किया था, 7.5% किया था, लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया, 7.5% से इंडिया का जीडीपी एस्टिमेशन जो है वो कम कर दिया है. कितना कम किया है, 7.3%. ठीक है, सो इंडिया रेटिंग्स के अकॉर्डिंग इंडिया का जो जीडीपी रहने वाला है 2019 एंड 20 में वो कितना रहने वाला है, 7.3 होने वाला है. दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर. ओके, सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है. ओके, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इंडिया साइबर इंश्योरेंस मार्केट ग्रू बाय व्हाट परसेंट विद 350 साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी. देखो आपको पता है आजकल साइबर सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है हैकर्स जो हैं वो हैक करते रहते हैं, तो हमें ऑनलाइन भी सेफ रहना ज़रूरी है. तो अभी कहाँ क्या चीज़ें चलने वाली हैं, यहाँ पर साइबर इंश्योरेंस की यहाँ पर बात होने वाली है. तो साइबर इंश्योरेंस जो है वो कितने परसेंट इंक्रीज़ हो गया है 2018 में, ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके. ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर टी का, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर है. ओके, सो यहाँ पर आपका आंसर आ गया होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 40%. ठीक है, तो कितना ग्रो किया है, 40% ग्रो किया है. सबसे ज़्यादा किसने बेचा है, ये आईसीआई जो इंश्योरेंस कंपनी है, एचडीएफसी है, एचडीएफसी इर्गो है. ठीक है, इन दोनों ने सबसे ज़्यादा क्या बेचे हैं, ये इंश्योरेंस बेचे हैं जो किससे रिलेटेड हैं, साइबर से रिलेटेड जो इंश्योरेंसेज हैं. ओके, सबसे यहाँ पर कंपनी भी पूछा जा सकता है जो आपको याद रख लेना है. देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो ये है एक अपॉइंटमेंट जो आपको याद रखना है, हु विल टेक ओवर एज अ वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स. देखो इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ पहले कौन होते थे, एयर मार्शल अनिल खोसला जो थे वो क्या थे, यहाँ पर वाइस चीफ थे, लेकिन अभी उनको रिप्लेस किया है, किसने रिप्लेस किया है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है. ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर है. ओके, देखते हैं यहाँ सबसे पहले कौन आंसर कर रहा है. ओके, सो यहाँ पर आप बता सकते हैं सुनील लांबा कौन है, एडमायरल सुनील लांबा जो है वो हमारे क्या है, नेवी चीफ है. ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज़ एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह. ठीक है, वो क्या बनने वाले, वाइस चीफ बनने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के.
ओके सो मूव करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. ओके सो हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ब्रेक इनटू द टॉप 25 ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन. ठीक है, तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन जो है उसकी टॉप 25 प्लेयर्स में से उनका कौन सा ऐसा प्लेयर है इंडिया का जो वहाँ पर आता है टॉप 25 रैंकिंग में. ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है. ओके ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है. एज वेल एज यू हैव टू टेल मी वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन. इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे. लुसाने स्विट्जरलैंड. ओके सो लुसाने स्विट्जरलैंड जो है वो क्या है, हेडक्वार्टर है किसका, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जी साथ्यान. ओके सो जी साथ्यान जो है वो टॉप 25 रैंकिंग जो आती है उसमें आते हैं प्लेयर के रूप में. ओके आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जी साथ्यान जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो आप क्या बता देंगे, यहाँ पर टेबल टेनिस आप बता देंगे. ओके सो देखते हैं आज के बारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल जैज डे. ठीक है, तो इंटरनेशनल जैज डे जो है वो कब मनाया जाता है. दिस इज द सेम डे जिस दिन क्या मनाते हैं, हम आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं. ठीक है, तो आयुष्मान भारत दिवस कब मनाते हैं, हम 30 अप्रैल को मनाते हैं. उसी दिन क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल जैज डे मनाया जाता है. तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, बी है. ओके तो देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर. ओके सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च न्यू कीबोर्ड फॉर सिक्योर एंड ईजी ट्रांजेक्शन. तो सिक्योर और ईजी ट्रांजेक्शन के लिए ये पेटीएम प्लेटफॉर्म जो है, कौन से पेटीएम प्लेटफॉर्म ने ये लॉन्च किया है ये आपको बताना है. ओके नया कीबोर्ड किसने लॉन्च किया है. सो जिसने भी लॉन्च किया है उसकी जो ओनर है वो कौन है, फ्लिपकार्ट है. फ्लिपकार्ट की ही एक वो प्लेटफॉर्म है. आपको बताना है ये भी सी डी में से कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्लिपकार्ट का है. ओके सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फोन पे. ओके सो फोन पे किसका ही एक इंडिविजुअल है, किसकी ही एक सब्सिडरी है, फ्लिपकार्ट की सब्सिडरी है. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा इससे रिलेटेड फैक्ट्स लाइक हेडक्वार्टर, ठीक है, फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप क्या बता देंगे, यहाँ पर बेंगलुरु बता देंगे. ओके सो बेंगलुरु इज द हेडक्वार्टर ऑफ व्हाट, फ्लिपकार्ट. ओके सो देखते हैं आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या है. सो हु हैज़ बीन स्वॉन इन एज इज़राइल्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. इसराइल की नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बन गए हैं, किसको अपॉइंट किया गया है, ये आपको बताना है. देखो इसराइल जो है उसकी कैपिटल जेरूसलेम है, करेंसी क्या है, यहाँ पर न्यू शेकल है. अगर आपसे प्रेजिडेंट पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पर इसराइल के प्रेजिडेंट कौन है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, दैट इज रूवेन रिवलिन. ठीक है, रूवेन रिवलिन जो है वो क्या है, प्रेजिडेंट है किसके, इसराइल के. लेकिन अगर आपसे प्राइम मिनिस्टर पूछा जाएगा, नाइन्थ जो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं वो कौन बन गए हैं, बेंजामिन नेतन्याहू. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर. वो क्या बन गए हैं, नाइन्थ प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, किसके, इसराइल के. ओके सो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया है. देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट. ओके सो दिस देर इज वन मोर क्वेश्चन फॉर यू जिसका आंसर जो है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल लेबर डे, या फिर इसको मे डे या फिर वर्कर्स डे भी बोला जाता है. तो आपको मुझे बताना है ये दिन कब मनाया जाता है. ओके ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या हमारा करेक्ट आंसर है, ये आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है. ओके सो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसका क्या करेक्ट आंसर है. ओके सो आई होप कि आपको आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो. अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. ओके सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.